बेस्ट 5G वीवो स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। तो दोस्तों, अगर आप भी वीवो के फैन हैं और आपको भी वीवो की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए कोई नया स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों अब भी समय है। अगर किसी कारण से आपने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज या फिर यूं कहें कि अमेज़न की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन को मिस कर दिया है, तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब भी वो सारे ऑफर्स आपको उसी प्राइस पर मिल रहे हैं और आज हम आपके लिए कुछ वैसे ही ऑफर्स लेकर के आए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं वीवो की तरफ से वीवो का T3 लाइट 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो स्मार्टफोन का डिजाइन और लुक आपको थोड़ा सा डिसेंट ही देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आपको वीवो का T2X देखने को मिला था, लगभग वैसा ही डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिलेगा। साथ ही फोन की थिकनेस है 8.4 mm और फोन आता है 185 grams के साथ में। तो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में फोन अच्छा रहता है। और हाँ, यहाँ पर आपको IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाएगा। 840 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहां पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया, तो ये अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए आपको यहां पर 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर डिसेंट मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास दिए गए। मेन कैमरा है 50 megapixel का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और ये एक सोनी का सेंसर है। साथ में आपको यहाँ पर 2 megapixel का एक टैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 megapixel का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती है। वैसे आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट दिया गया, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको नाइट मोड की फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। बात करें वीडियो क्वालिटी की दोस्तों, तो यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि अभी रिसेंटली हमें Realme के C65 5G स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिला। और इस फोन के अंदर हमें आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिलता। रही बात अंतुतु की दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि स्पाइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर हैं। तो डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया, जबकि अगर यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज होता तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ठीक ही मिल जाती है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बॉक्स के अंदर आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको चार्जर को अलग से परचेस करना होगा, मतलब कि आपको थोड़े से और पैसे लगाने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि फोन के अपर साइड में दिए गए हैं। हालांकि ऑडियो क्वालिटी ठीक है, उससे आपको कोई खास दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उतनी मजेदार भी नहीं है। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच OS 14 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी आपको ब्लॉट पेड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो एक मिक्स सा पैकेज है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ वीवो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और वो भी इस प्राइस पॉइंट में, जहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 10,499 रुपए। वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। सो आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च वीवो का T3X 5G। बात करें इस फोन की,
तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। हालांकि पिछले Vivo T2S के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई। और अच्छी बात यह है कि Vivo T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं, फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30fps, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OIS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम Vivo T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm Snapdragon 6 जनरेशन 1 का चिपसेट। और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफी कमाल का चिपसेट है। ये औंधतु पर लगभग 560,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर Adreno 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई, Vivo की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया। और हाँ, आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Vivo की तरफ से Vivo का T3 5G। बात की जाए फोन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक और डिजाइन दोनों ही फोन का काफी कमाल का दिया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 7.8mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है। और वैसे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन तो डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया। हालांकि तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वो कोई कैमरा सेंसर नहीं बल्कि एक फ्लिकर सेंसर है, जो कि सीन के अकॉर्डिंग आपके कैमरा की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करता है।
वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो इमेज आउटपुट भी आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं। डे लाइट और लो लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती है। साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स भी दिए गए और तो और इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4 NMBs MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट। और देखा जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ऑन तो पर लगभग 7,20,000 के आसपास स्कोर करता है और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। गेमिंग के लिए आपको मिलता है आम वाले G610 MC4 का GPU, जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 44W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल सकता है, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है फन टच OS 14 और यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। सो देखा जाए तो कंप्लीट ऑलराउंडर फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपए। पर दोस्तों, इस समय बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए की कीमत पर, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल और एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा।